हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पीर को 5 रुपए, मंगल को 14 पैसे और आज 26 पैसे इजाफा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, 3 दिन में 109 से 115 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 116 रुपए मुकर्रर। मुआशी माहिरीन का हुकूमत पर जानबूझकर डॉलर को आजाद छोड़ने का इल्जाम। अगर ये डिवेल्यूएशन से पहले कर लेते और अगर इसमें 3-4 बिलियन डॉलर इनको रेज हो जाता, उससे आपका रुपी वीक नहीं होता, महंगाई नहीं आती, बेरोजगारी नहीं होती। गवर्नमेंट कहीं पे भी ऐसे एरियाज नहीं देख रही जिसके तहत उनको जाना पड़े, और जहां आप ये गए भी तो मुझे तो चाइना नजर आ रहा है। शेरी रहमान पर किस्मत मेहरबान, पीपल्स पार्टी के 34 अरकान की हिमायत से ऐवाने बाला में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने वाली पहली खातून है। समझा जाता है कि आसिफ जरदारी का दौर सबसे बुरा समझा जाता था, नवाज शरीफ का दौर है, आसिफ जरदारी से भी बुरी परफॉर्मेंस थी। इमरान खान ने नवाज दौर को जरदारी दौर से बदतर करार दे दिया। कहते हैं टैक्स बढ़ाए गए, महंगाई में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड कर्ज लिए गए, बिजली के बिलों पर सरचार्ज को जुगा टैक्स और हुक्मरानों की करप्शन को मुआशी बदहाली की वजह करार दे दिया। और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन का ये किरदार है और उनको बैठ के इसका फैसला करना चाहिए। निगरान सेटअप हुकूमत और अपोजिशन का काम है, मामले पर अपोजिशन को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मशवरा, निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक राय की सूरत में पार्टी सपोर्ट का ऐलान। जुडिशियल मार्शल लॉ से मुतालिक सवाल पर खामोश, मीडिया से अपना केस उजागर करने की अपील। मैं नवाज शरीफ से बात क्यों करूं? पार्टियां आपस में बातचीत वजीर आजम के लिए नहीं कर सकते, कानून आयन के अंदर ही है। निगरा वजीर आजम के तकरर पर सियासी जमातें आपस में मुशावरत कर सकती हैं, ना ही इस मामले पर नवाज शरीफ से बात होगी। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वाजे कर दिया। शेख रशीद के जुडिशियल मार्शल लॉ की अपील से मुतालिक खुर्शीद शाह कहते हैं ये बातें वही कर सकता है जो मार्शल लॉ लफ्ज से प्यार करता हो। जुडिशियल मार्शल लॉ का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब 90 दिन 120 दिन के लिए इस मुल्क में शफाफ निगरान हुकूमत, नेक और एक सूबाई हुकूमतें और वुजरा का इंतखाब करें। जुडिशियल मार्शल लॉ का गलत मतलब लिया गया, शेख रशीद की वजाहत। कहते हैं उनका मतलब ये नहीं था कि आईन से बगावत की जाए। जुडिशियल मार्शल लॉ से मुराद चीफ जस्टिस की जाने से शफाफ हुकूमतों का इंतखाब है। आज का जो फैसला है ये इंतकाम, और ये उस हर शख्स से लिया जाएगा जो जमहूरियत की आवाज को बुलंद करेगा। शरीफ खानदान को इस्तिस्ना ना देना सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान वोट की ताकत से बना, पाकिस्तानियों के खून से जम्हूरियत नहीं निकल सकती। वजीर मुमलिकत बराए इतलाक मरियम औरंगजेब की गुफ्तगु, कहती हैं पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं तो इन्हें किसी और की जरूरत नहीं। एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शरीफ फैमिली कुलसूम नवाज की इयादत के लिए लंदन जाना चाहती है। अम्मी मेरी और अब्बू की मुंतजर थी, फोन पर पूछा इजाजत मिल गई। मरियम नवाज का ट्वीट, इजाजत ना मिलने का बताया तो कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। वजीरों के कहने पर आप पार्क उखाड़ देते हैं, बताएं क्या सुलूक किया जाए। चीफ जस्टिस DGLDA पर बरहम, इसाक डार के घर के सामने 10 रोज में पार्क बहाल करने का हुक्म।
नकीब कत्ल केस में राव अनवार का 30 रोजा रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले, साबिक एसएसपी को बड़े काफले के हमरा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाया गया। फाटा के 6 आजाद सेनेटर्स ने अपना ग्रुप बना लिया। औरंगजेब पार्लियामानी लीडर मुकर्रर, 17 सेनेटर्स का हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी का सिलसिला मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 26 पैसे बढ़कर 115.40 रुपए पर पहुंच चुका है। माशी माहिरीन कहते हैं हुकूमत ने जानबूझकर डॉलर को आजाद छोड़ा, मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। पीर को 5 रुपए, मंगल को 14 पैसे और आज 26 पैसे इजाफा। डॉलर ने रुपए को फिर पछाड़ दिया। डॉलर इंटरबैंक में 115.40 रुपए पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी 116 रुपए में दस्तियाब है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं रुपए की बेकदरी से चंद अफराद को फायदा होगा। अगर ये डिवेल्यूएशन से पहले कर लेते और अगर इसमें 3-4 बिलियन डॉलर इनको रेज हो जाता तो उससे आपका रुपी वीक नहीं होता, महंगाई नहीं आती, बेरोजगारी नहीं होती, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते। अब इसके मल्टीपल नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आएंगे क्योंकि आपके रुपी वीक हुआ है, इसके बाद आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उसके बाद आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरतेहाल में नया कर्जा मिलना भी मुश्किल है। अब इस वक्त गवर्नमेंट कहीं पे भी ऐसे एरियाज नहीं देख रही जिसके तहत उनको जाना पड़े, और जहाँ अब ये गए भी तो मुझे तो चाइना नजर आ रहा है जहाँ पे जाके ये 1 बिलियन या 2 बिलियन बोरो कर लेंगे। बास माहरीन का कहना है कि रुपए की बेकदरी से बरामदात में इजाफा होगा, साथ ही करंट अकाउंट खसारे में भी कमी होगी। सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। मुल्की मईशत का हाल देखकर इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कप्तान ने नवाज शरीफ के 4 साल दौरे हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए आसिफ जरदारी के 5 साल दौर से भी बदतर करार दे दिया। कहते हैं माशी बदहाली की वजह हुक्मरानों की करप्शन है। कप्तान के मुखालिफीन पर लफ्जी वार, मौजूदा दौर जरदारी दौर से बदतरीन करार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत के 4 साल दौर में गैर मुल्की कर्ज लेने और दरामदात कम होने के रिकॉर्ड बने हैं। इसके 4 साल में 10,000 अरब कर्जा लिया गया, 10 ट्रिलियन 4 साल में इनके लिया गया, रिकॉर्ड फॉरन कर्जे लिए गए। इन्होंने 24 अरब से 21 अरब पे पहुंच गए, इनकी एक्सपोर्ट्स गिर गई है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में फर्क वो तारीखी हो गया। कप्तान ने कहा कि लोग आसिफ जरदारी के 5 साल दौर को बदतरीन कहते थे, लेकिन नवाज शरीफ वाला दौर इससे भी आगे निकल गया है। जरदारी दौर में तेल महंगा था, लेकिन अब सस्ता तरीन तेल होने के बावजूद गर्दिशी कर्जा ज्यादा हो गया है। ये समझा जाता है कि आसिफ जरदारी का दौर 2008 से 2013 तक सबसे बुरा समझा जाता था। नवाज शरीफ का दौर है, इसने वो काम किया है जो कोई समझता था कि ये हो ही नहीं सकता कि आसिफ जरदारी से भी बुरी परफॉर्मेंस दे दो। उनकी बारी जो तेल की कीमत थी वो तकरीबन रिकॉर्ड थी आसिफ जरदारी के दौर में, इनकी सबसे कम तेल की कीमतें थी, उसके बावजूद इनकी सर्कुलर डेट उससे आगे निकल गई। इमरान खान का कहना था कि टैक्स वसूलियां बढ़ने का हुकूमती दावा झूठ है, डाकुओं के लिए नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। मुल्की मईशत ही नहीं शोबा सेहत का भी हाल बेहाल है। सिंध में खसरे की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी है। 22 रोज में 36 मासूम जानें जाए हो गईं। हिफाजती टीकों के रिएक्शन से 4 बच्चे मौत की वादी में चले गए। सिंध हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई खातिरखा इकदामात नहीं किए गए। खसरा बन गया सिंध के लिए बड़ा खतरा। शिकारपुर, कंदकोट और नवाबशाह को मौत की वादी में बदल दिया। इस रोज में खसरा की खतरनाक वबा से 36 जबकि हिफाजती टीकों के रिएक्शन से 4 बच्चे जांबाज हो गए। शिकारपुर में आज मजीद 3 बच्चे खसरा का शिकार हुए। 14 दिनों में जांबाज बच्चों की तादाद 18 हो गई, जबकि सिविल अस्पताल में 10 से ज्यादा बच्चे ताहाल जेरे इलाज हैं।
कनकोट में भी 22 रोज के दौरान 18 बच्चे जांबाज हुए। आज न्यूज की खबर पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लिया और इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टरों की छुट्टियां मंसूख की। मुतासर इलाकों में अद्वियात और वैक्सीन के साथ टीमें भी रवाना की गयी। दूसरी जानिब नवाबशाह में 4 मार्च को मरियम रोड और जाम साहब रोड पर हिफाजती टीके लगाए गए, जिनके रिएक्शन से 4 बच्चे जाबहक और मुतादद मुतासर हुए। हुकूमत सिंध ने मामले पर आला सतह इंक्वायरी कमेटी बनाई, तहम कई रोज बाद भी न जिम्मेदारों का तायुन हुआ न ही रिपोर्ट पेश की जा सकी। सिंध में खसरे की वबा तेजी से फैलती जा रही है। अब तक सिंध हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नजर नहीं आ रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज कनकोट के नुमाइंदे हुजूर बख्श से। जी हुजूर बख्श, बताइएगा खसरे की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किए गए? जी हुजूर बख्श, आप मुझे सुन सकते हैं? सिंध में खसरे की वबा तेजी से फैलती जा रही है और अब तक सिंध हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नजर नहीं आ रहे। कोशिश करेंगे हमारा राबता हुजूर बख्श मंगी से ताकि उनसे मजीद तफसीलात भी ले सके। सिंध में खसरे की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिंध हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम किए गए हैं या नहीं बच्चों की जान बचाने के लिए? कोशिश करेंगे हुजूर बख्श मंगी से हमारा रब्ता हो सके ताकि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, खसरे की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हुजूर बख्श हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हुजूर बख्श, क्या कुछ बेहतरी आई है खसरे की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किए गए हैं? जी देखें किरण, यहाँ जो इकदाम लिए गए थे आज न्यूज की खबर पर, इमरजेंसी भी नाफिज की गई थी मगर उसके बावजूद भी खतरा पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। वहाँ टीमें जो अब देखें जो खतरा में मुब्तला बच्चे हैं उनका तो इलाज होना चाहिए, उनको जेर इलाज के लिए जो सहूलियात हैं वो दी जाएं मगर ये अभी टीके उनके किसी काम के नहीं रहे कि उन बच्चों को जो खतरा में मुब्तला हैं उनको टीके लगाए जाएँ। ये खातर ख्वाह अभी तक न हो सकी है। सिंध हुकूमत पता नहीं कौन सी खाबे खरगोश में सोई हुई है कि अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। 22 रोज में 18 बच्चे जांबक हो चुके हैं तो उसके बावजूद भी कोई सिंध हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। ताहाल भी सैकड़ों बच्चे इस विभाग में मुब्तला है। मैं आपको मजीद यह भी बताना चलूँ, जब मैंने मालूम की DHO से, एक तो DHO फीमेल है जिसका जो कि वो रब्ता करती ही नहीं, तो जहाँ मैंने मालूमात की तो वैक्सीनेशन के जो स्टाफ था वो कुल और भेसी का ये आलम है कि कोई इकदाम नहीं उठाए गए। हुजूर बख्श मंगी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फौरी खबर आपको दें कि दिल्ली में सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। दिल्ली में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की गाड़ी को रोका गया। मजीद जानेंगे आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराजा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा किए जाने का आज भी वाकया पेश आया है, क्या हुआ था? देखिए, ये अब तकरीबन दूसरा हफ्ता जा रहा है कि मसलसल पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भारत में हरासा किया जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई जाती हैं, उनको रोका जाता है। आज भी पहले तो काउंसलर लेवल पे या अमले की हद तक हरासा होते रहे लेकिन आज तो डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह वहाँ पर तैनात है। वो जब ऑफिस से निकल के घर जा रहे थे तो एक गाड़ी आई सामने और एक पीछे आ गई, सड़क पर ही उनको तकरीबन आधा घंटा वहाँ ब्लॉक किया गया, उनकी गाड़ी को वहाँ पर उनको टीज किया गया। इस वाकया के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने आज फिर भारतीय वजारत खारजा को एक शदीद सख्त किस्म का एहतजाज रवाना कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बराचा आपका। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में फिर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरिड अहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकरर हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी पर किस्मत मेहरबान, सेनेट के ऐवान में जीत की दास्तान रकम कर दी। शेरिड अहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गयी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला भी पीपल्स पार्टी के जियाले और अब शीरी रहमान एवाने वाला में पहली खातून हज़्ब इख्तिलाफ मुकरर हो गई। चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शीरी रहमान ने अपना दफ्तर भी संभाल लिया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि निगरा हुकूमत के मामले पर अपोजिशन को मिल बैठकर बात करनी चाहिए।
निगरा सेटअप हुकूमत और अपोजिशन का काम है। सियासतदानों को मामले पर इत्तेफाक करना चाहिए। निगरा हुकूमत पर इत्तेफाक राय हुआ तो उनकी पार्टी सपोर्ट। शरीफ ने पीपी के रवैये पर अफसोस का इजहार किया, बोले निगरा हुकूमत के लिए अपोजिशन को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का ये किरदार है और उनको बैठ के इसका फैसला करना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट की, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होनी चाहिए और उन पावर से कहीं अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं उसको निकलना चाहिए। सहाफी के जुडिशियल मार्शल्ला के सवाल पर नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझी। जुडिशियल मार्शल्ला का मुतालबा आया है, उससे कुछ कहें। नवाज शरीफ को सारा मामला काला दिखाई देने लगा। कहते हैं किसी इदारे से लेना देना नहीं, फिर भी नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। उन्होंने शिकवा किया कि जो शख्स मुल्क को अंधेरों से निकाले वही अदालतों में पेशियां भी भुगते। उन्होंने मीडिया से भी मदद मांगी, बोले नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, मीडिया किरदार अदा करे और मेरा केस सामने लाए।